हेलो माय गॉर्जियस लेडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मैं चंचल शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल। जी हाँ, आज का हॉल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मैं आज जो हॉल शेयर कर रही हूँ मीशो का हॉल है, मीशो की कुर्ती हॉल है। एंड वो ये आप कुछ ओकेजन पर भी ट्राई कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई छोटा मोटा फंक्शन है या आपका बर्थडे है या आपका फ्रेंड सर्कल में कोई पार्टी है तो उसमें भी आप आराम से कैरी कर सकते हैं। बहुत ही एलिगेंट एंड ग्रेसफुल लुक आपको मिलने वाला है एंड बहुत ही अफोर्डेबल आपके प्राइस में मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा, मुझे ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है जो पैकेट है। इसमें मुझे एक ही सेलर से दो कुर्तियाँ मैंने ऑर्डर की थी एंड बहुत ही आजकल मीशो पे ट्रेंडिंग हैं ये कुर्तियाँ। तो मैं आपको इनका आउटफिट दिखा देती हूँ किस तरह की हैं। इस तरह की हमें इसमें इनर वेयर पैकेजिंग मिल जाती है एंड जो इसमें फैब्रिक है रियॉन का फैब्रिक हमें मिल जाता है। ये देखिएगा, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये इस तरह से हमें इसमें ना रेंड जो है, ये देखिएगा एम्ब्रॉयडरी देखिए आप कितनी खूबसूरत सी है। एंड ये हमें बिल्कुल जो है एक सर्कल में मिल जाते हैं, इनके राउंड नेक में हमें मिल जाता है और नीचे आते आते ना इस पर कितनी खूबसूरत सी ना एम्ब्रॉयडरी दी गई है। ये देखिएगा, ये कोई पैच वर्क नहीं है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ना जरी से एम्ब्रॉयडरी की गई है। मैं और आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, रियोन का आपको इसमें फैब्रिक मिल जाता है एंड जो इसकी पूरी कुर्ती के ऊपर जो प्रिंट हो रखा है, ये प्रिंट नहीं है, ये कपड़ा ही है, ये बांधनी प्रिंट है इसके ऊपर ना। एंड यहाँ पे आपको ना गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाती है। 3/4 इसमें स्लीव्स है। ये देखिए, बहुत ही ना खूबसूरत सा ग्रेसफुल लगने वाला आपका ये कुर्ता है। ये देखिएगा, यहाँ पर भी आपको 3/4 स्लीव मिल जाती है, गोटा पट्टी का बोथ साइड में आपको वर्क मिल जाता है, आई मीन डिटेलिंग मिल जाती है। हमने नीचे आते आते आपको ना ये स्ट्रेट फिट का आपको ये कुर्ता मिल जाता है एंड ये बिल्कुल प्लेन कह लीजिएगा, क्यों नीचे भी इस पर कोई डिटेलिंग नहीं है एंड बैक साइड में भी इसके पीछे कोई भी डिटेलिंग नहीं है। इसका जो लुक है सिर्फ इसकी नेक की डिटेलिंग से आ रहा है। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे ना आपको ट्राई ऑन में भी दिखा दूंगी कि किस तरह का इसका लुक आने वाला है एंड किस तरह से आप इसको वियर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत है और मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा है एंड 309 इसका प्राइस है एंड मेरा जो साइज है इसमें मीडियम है। तो एक ही सेलर से मैंने दोनों चीज़ें ऑर्डर की थी। तो देख लीजिएगा, अगर आपको ये शर्ट पसंद आता है तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव ऑन कर लेते हैं हम दूसरे कुर्ते की साइड पर। इसमें मैंने ये रेड कलर लिया था एंड दूसरा जो है ये इसमें आपको ना ग्रीन कलर मिल जाता है। ग्रीन कह लीजिए या जो टेल ब्लू आता है उस तरह का ये शेड है। डार्क ग्रीन तो है नहीं, बट हाँ टेल ब्लू का जो शेड आता है ना उस तरह का ये हमें शेड मिल जाता है। सेम वही आपकी ना नेक पे राउंड नेक के साथ में हमें मिल जाता है। बैक का जो गला है ना, बैक का जो ये गला है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है एंड बहुत ही ना आपको कंफर्टेबल फील कराने वाला है। ये देखिएगा कितनी खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको ना एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, जरी का वर्क हो रखा है। लुक वाइज से ना एक जो ये कुर्ती है बहुत ही आपको ना एक ग्रेसफुल और एक रिच लुक वाली एक कुर्ती आपको मिल जाती है। 3/4 स्लीव है इसके अंदर। इसमें भी आपको यहाँ पर ना गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाती है वो साइड में। सेम चीज़ यहाँ पर है, जो इसका स्टफ है वो रियॉन में आपको मिल जाता है एंड सेम इसी तरह से ना बांधनी प्रिंट इसमें भी हो रखा है। ये मुझे नी लेंथ से थोड़ा सा नीचे तक है, ज़्यादा नहीं। मेरी जो हाइट है 5'2" है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आप पर ये किस तरह का जाने वाला है। ठीक है, मैं ट्राई ऑन आपको साथ में शो कर दूंगी तो आप चेक कर लीजिएगा। एंड नो डाउट कि ये आपको ना अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल हैं, तो ये जो मैं आपको कुर्तीज दिखा रही हूँ ना बेस्ट हैं आपके लिए। डेली वियर में भी अगर आप इनको घर में या छोटे मोटे कोई फंक्शन में आप वियर करना चाहते हैं तो इसके साथ में ना आप एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ में आप गोल्डन स्कर्ट भी पेयर अप कर सकते हैं,
या गोल्डन पेंट के साथ में भी आप इसको पेयर अप कर सकते हैं। इसके साथ एक दुपट्टा आप कैरी कर सकते हैं, एक छोटा सा आप क्लच कैरी कर सकते हैं एंड एक बहुत ही अच्छा सा एक आपका लुक बन के तैयार हो जाने वाला है एंड बहुत अच्छा लगने वाला है। ये दोनों ही जो कुर्तीज़ मैंने आपको दिखाई हैं बहुत ही खूबसूरत है। साइज़ मेरा दोनों में ही मीडियम है एंड आई डोंट नो कि जब मैं ये वीडियो जाएगा आपके साथ में तो ये साइज़ अवेलेबल होगा या नहीं होगा। 309 इसमें प्राइस है दोनों ही कुर्तीज़ की, एक ही सेलर से है। मैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से जा करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कुर्ती मैंने वियर किया हुआ है ये शॉर्ट कुर्ती है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी है ये कुर्ती एंड इसका जो हॉल वीडियो है मीशो से मैंने परचेज़ किया था वो चैनल पर ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं किया है तो मैं उसका भी लिंक आपको वीडियो के में ऐड कर दूंगी, आप जाकर ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा और वहाँ से जाके वो वीडियो आप वॉच आउट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सी मैंने कुर्तियाँ शेयर किया है उसके अंदर। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल हैं एंड थोड़ा अगर आप फैटी भी हैं, आपका थोड़ा टमी भी निकला हुआ है तो वो जो कुर्तीज़ मैंने साथ में शेयर किया है तो उसमें आपकी हाइड हो जाएंगी। अगर आपकी छोटी मोटी सी टमी भी है मेरी तरह से तो वो भी उसमें हाइड हो जाता है, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो मूव ऑन कर लेते हैं हम अपनी थर्ड कुर्ती की तरफ। ये मुझे इस कुर्ती इस तरह की जो है पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है, तो ये कुर्ती है एंड जो इसका जो कुर्ती का शेड है ना स्काई ब्लू है, ये देखिएगा बहुत खूबसूरत सी ये कुर्ती है। ये इस तरह की पैकेजिंग में हमें मिल जाती है, मैं आपको इसको दिखा देती हूँ एंड जो इस कुर्ती का प्राइस है 329 इस कुर्ती का प्राइस है एंड ये आपको जो है मिक्स जो सिल्क होता है ना उस तरह के ये स्टफ में हमें मिल जाती है। नो डाउट कपड़ा जो है बहुत अच्छा है, हल्का सा शाइनी कपड़ा है इसका एंड ये भी आपको ना नी लेंथ से नीचे जाने वाली है, राउंड नेक के साथ में हमें मिल जाता है। बैक का जो राउंड जो नेक है ये इस तरह से है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है बैक का और फ्रंट का भी नेक बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो बहुत ही ग्रेसफुल सी कुर्ती है। यहाँ पे इन्होंने ना पैच वर्क लगाया हुआ है, ये जो अलग से है ना ये पैच वर्क लगा करके ना इस पर नेट की ये नेक पर डिटेलिंग किया हुआ है। इसमें यहाँ पर आपको ना फॉल्स जो मिरर होते हैं ना उसका वर्क मिल जाता है, बहुत ही फाइन सी एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे इन्होंने की हुई है, वाइट और पिंक के साथ में इन्होंने ना डिटेलिंग की हुई है मिरर के साथ में। स्ट्रेट फिट कुर्ती है एंड इसमें भी आपको 3/4 स्लीव मिल जाती है एंड यहाँ पर इन्होंने इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है सेम। तो बात कर रहे थे इस वाली कुर्ती की, तो इसके ना आपको ना बैक से और फ्रंट और बैक से दोनों साइड से ही ये इस तरह से प्लेन मिल जाता है, लेकिन यहाँ नीचे आते आते ना पल्ले पे जो आपका ये पल्ला है इस पर आपको ना यहाँ पे इस तरह की ना डिटेलिंग मिल जाती है एम्ब्रॉयडरी की। ये अलग से ना इन्होंने पैच बना करके ना इसको यहाँ पे अटैच किया हुआ है, बट ये बैक साइड से ये पूरा का पूरा कुर्ता आपको प्लेन मिल जाता है एंड ये सिल्क काइंड ऑफ का फैब्रिक है। साइज इसमें सभी आई थिंक अवेलेबल है, ट्रिपल एक्सल तक इसमें साइज अवेलेबल है एस से लेकर के एंड इसमें कलर जो है शेड्स इसमें बहुत सारे हैं। इसका एक और शेड मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है अभी तक आया नहीं है, जैसे ही मुझे रिसीव होता है तो मैं इसका आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पर्पल शेड है वो, बहुत ही प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत शेड है, तो वो वाला शेड भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये हमारी थर्ड कुर्ती थी एंड इसके साथ साथ में जो मैंने आपको ये दोनों और कुर्तीज़ दिखाई हैं इसमें भी जो साइज़ हैं और साइज़ और कलर्स और भी अवेलेबल थे, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा जो भी साइज़ आपको चाहिए है या जो भी शेड आपको चाहिए है वो आप चूज़ कर सकते हैं। सभी का मैं ट्राई ऑन भी ऐड कर दूंगी और इसके साथ साथ में मैं यहाँ पे इंस्टा की आईडी भी लगा दूंगी, तो प्लीज़ वहाँ जाकर के अभी भी आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं डेली रील्स डालती रहती हूँ एंड अपने वीडियो से रिलेटेड वहाँ पे सारे ही अपडेट डालती रहती हूँ, जो भी मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ उसकी आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाती हैं। ठीक है,
तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ कोई अगले से अच्छे से वीडियो के साथ में, आप लोगों के साथ में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह से अपनी फैमिली के साथ में खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। टेक केयर, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।